अच्छा ठीक है सिंचा, अभी हम डूट मार चलते हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं और ये क्या हो गया, ये हमारे सामने क्या गया, किसने, ये तो एक डॉल पड़ी है। अरे ये कहाँ से आ गई, ये तो बहुत बेकार है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। डॉल क्यों ऐसे हमारा रास्ता रुक गया। अरे गाइस ये डॉल कहाँ चले गए, यार ये वापस आ जाए तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। चलो किसने, अब हम डूट मार चलते। अरे हाँ चलो अब हम डूट मार चलते हैं, वो डॉल पता नहीं कहाँ से आ गई थी, सिंचा थे उसके अच्छे लगाए। यहाँ चलो गाइस हम चलते हैं डूट मार्ट में। और इन लोगों ने मेरी डॉल को ऐसे मार पीट के रखा, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। एक बार मेरे सामने आ जाए, मेरी फेवरेट डॉल को इन्होंने ऐसे मार पीट के रखा, अब मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, अब मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगी, इनके जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं, बस मेरे सामने आ जाइए दोबारा। ओए चल भी किसने, आज तो डॉट मैट में घूम के मजा आ गया। अरे हाँ गाइस मजा तो आ गया, लेकिन ये क्या हो गया, इसे क्या हो गया, अरे विक्की से इसे पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई साहब ठीक है, अरे तुम यहाँ मत आओ, तुम एक लो बुढ़िया मार दे कि चले जाओ यहाँ से। सो गाइस एक बुढ़िया मार दे। अरे क्या बोल रहा है इसने, मुझे लगता है पी रखी ऐसी पड़ा हुए। सो गाइस अभी हम घर पे चलते हैं। सो गाइस अब आप देख सकते हैं हमारा घर आ चुका है। अरे चलो आज तो बहुत ज्यादा मजा आया हमें घूमने में, चलो अब हम सो जाते हैं। अरे हाँ गाइज अब हम सो जाते हैं, वैसे हमें घूमने में मजा आ गया। चलो गाइज अब मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट गाइज। गुड नाइट गाइज। मुझे लगता है यही है इन लोगों का घर, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, लगता है ये लोग सो रहे हैं अभी, रुको मैं देखती हूँ। हाँ ये लोग सो रहे हैं, चलो मैं इन्हें कल रात को बताती हूँ, अभी मुझे इन्हें मारने की प्लानिंग करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, चलो अब हम उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है। अरे चलो अब हम उठ जाते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, लेकिन ये दरवाजा कैसे खुला है, ये पता नहीं कैसे खुला होगा। मैंने खोला था, मैं कल रात को घर आया था इसलिए दरवाजा मैंने खोला था। अच्छा होगी तो कल रात को घर आया था इसलिए खुला हुआ था। यहाँ चलो गाइस आज हम एक हॉरर मूवी देखने जाते हैं। अरे मैं नहीं देखूंगा हॉरर मूवी, मुझे डर लगता है हॉरर मूवी नहीं देखनी। ये एक बार देखते हैं, मजा तो आएगा हॉरर मूवी देखने में। नहीं हॉरर मूवी नहीं, हॉरर मूवी देखने में बहुत डर लगता है, हॉरर मूवी नहीं देखेंगे आज। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अरे यार तुम ऑगी और मसाओ तो बिल्कुल डरपोक हो यार, तुम हॉरर मूवी नहीं देख सकते। नहीं अरे नहीं हॉरर मूवी देखने में बहुत डर लगता है मुझे, मैं नहीं देखूंगा। अच्छा ठीक है चलो हॉरर मूवी नहीं देखते हैं, ये एक बार देखते तो बहुत मजा आएगा। अच्छा सिंचन को इतने ही हो रहा है, चलो गाइस अब हम एक सुनसान जगह जाते हैं और वहां पे मसाओ को एक दो मतलब एक घंटे के लिए खड़ा रहना होगा। अच्छा ठीक है ये मैं कर सकता हूँ, चलो मैं वहां चले जाता हूँ। अच्छा ठीक है गाइस अभी हम एक सुनसान जगह पे चलते हैं। सो गाइस जब तक मैं सुनसान जगह पे जा रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों को शाउट आउट देता हूँ। सो गाइस आज की वीडियो का सबसे पहला शाउट आउट जाता है सिंचन गेमिंग को, और दूसरा शाउट आउट जाता है हर्षद चवन को, और तीसरा शाउट आउट जाता है टैग गेमर 3 को, और चौथा शाउट आउट जाता है ड्रैगन गेमर को। चलो गाइस आप देख सकते हैं हम एक सुनसान जगह पे अब आ चुके हैं। अरे ये तो बहुत डरावनी जगह है, मुझे यहाँ क्यों लिया है। ये तो बहुत डरावनी जगह है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे नहीं रह सकता मैं। ये एक बार मसाओ को देखते हैं ना, वो कैसे रहेगा। चलो गाइस अब हम यहाँ पे मसाओ को खड़ा करते हैं, फिर देखते हैं क्या होएगा। अरे ये तो बहुत डरावनी जगह है, चलो मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। अच्छा ठीक है मसाओ तू जल्दी जल्दी यहाँ पे खड़ा हो जाए एक घंटे के लिए। यार जल्दी खड़ा हो जा, हम देख रहे हैं तुझे यहीं से। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अरे हम यहीं पे खड़े हैं बस, यहीं से तुझे देखते रहेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं ये मसाओ खड़ा है, चलो मैं देखता हूँ मसाओ को कैसे खड़ा होना है। चलो आप देख सकते हो वो खड़ा है मसाओ। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अरे ये तो बहुत ईजी था, ये मसाओ को तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा यहाँ पे, ये तो बहुत ईजी था। गाइस आप देख सकते हैं हमने मसाओ को तो बहुत ईजी टास्क दे दिया, ये तो बहुत ईजी था। अरे गाइस आप देख सकते हैं मसाओ के पीछे कुछ दिख रहा है मुझे, अरे ये तो ग्रैनी है। अरे मुझे ग्रैनी से बिल्कुल डर नहीं लगता, कैसे मेरा बेफ को बुला रहे हैं, ग्रैनी है यहाँ पे। मसाओ जल्दी भाग वहां से, वहां पे ग्रैनी खड़ी है। अरे तुम लोग कहाँ पे बोल रहे हो, ग्रैनी कहाँ पे आ रहे थे, लोग तो मजाक कर रहे हैं मुझे डराने के लिए बोल रहे ताकि मैं यहाँ बाहर जाऊँ। अरे मैं नहीं हारूंगा देख लेना, मैं जीत जाऊंगा। अरे ये देखो मैं जीत भी गया इतनी जल्दी।
सो गाइस आप देख सकते हैं हम तो घर पे आ चुके हैं भाग के, मसाओ को तो ग्रैनी ने पकड़ लिया है, और ये देख सकते हैं ग्रैनी तो हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई, हमें इसे मारना पड़ेगा। मैंने देखा था ना, ऐसे मत करो, ये ग्रैनी हमारे पीछे कैसे पड़ गई, इसे मारना पड़ेगा। अरे हमारे पास बॉम्ब है, हम बॉम्ब से इसे मार देते हैं। आप तो ये मर जाएगी। सो गाइस आप देख सकते हैं मर चुकी है। अरे हाँ गाइस आप देख सकते हैं बॉम्ब से तो ग्रैनी मर चुकी है, लेकिन हमें इसे हमेशा के लिए मारना पड़ेगा। सो गाइस हमें क्या करना चाहिए कि ग्रैनी मर जाए? ये पहले ये सोच चुकी है ग्रैनी हमारे पीछे क्यों पड़ी है, हम जल्दी कार में बैठते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं, ग्रैनी हमारे पीछे नहीं आएगी। सो गाइस आप देख सकती है तो अभी भी आ रही है, हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, तुम लोग नहीं बचोगे, तुमने मेरी डोल तोड़ी है ना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी डोल के साथ बहुत बुरा किया है। किसी ने मुझे बताया ग्रैनी हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? अच्छा बता कैसे पड़ी हुई है? ये वो हमने ये ग्रैनी की डॉल को बहुत बुरा असर किया था ना, वो डॉल मिली थी हमें कल। हाँ वो डॉल मिली थी, मैं तो भूल ही गया था, उस डॉल के साथ तो हमने बहुत बुरा किया था। ये डॉल मुझे लगता है ग्रैनी की होगी, और उसे गुस्सा आ गया कि हमने उसकी डॉल बहुत बुरी तरह बिगाड़ दी थी। अरे हाँ गाइस मुझे भी लगता है। सो गाइस आप देख सकते हैं क्या हुआ, अरे गाइस इसने तो हमारी कार फोड़ दी। चलो गाइस शुगर है हम उस कार में से बाहर आ गए। इस ग्रैनी को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आजा मैदान में, अब देखते हैं तू जीतती है या हम जीतते हैं। अरे हम इस ग्रैनी को नहीं हरा सकते, जल्दी भागो यहाँ से। अरे कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैंने मसाओ के सिर पे एक वो चिप लगा दी है, उसका टाइम जब खत्म होएगा तब तुम भी मर जाओगे। सो गाइस आप देख सकते हैं इस ग्रैनी ने तो मसाओ के सिर पे एक चिप लगा दिया है, सो गाइस उसका टाइमिंग खत्म होगा तब भी हम भी मर जाएंगे, हमें इस ग्रैनी को तब तक मारना पड़ेगा। अरे तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, मैं अमर हूँ। सो गाइस ये ग्रैनी तो ऐसे ही बोलती रहती है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो गाइस हम इसे मारते रहते हैं, ये कभी ना कभी बुढ़िया तो मरेगी। अरे तुम मुझे बुढ़िया कैसे कह रहे हो, तुम नहीं बचोगे। सो गाइस आप देख सकते हैं पुलिस आ चुकी है, इसका मतलब पुलिस भी इसे मार सकती है, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा अपने साथ के लिए। चलो गाइस एक गन भी खरीद लेते हैं ताकि हम इस ग्रैनी और पुलिस को सबको बता सके। हाँ गाइस मुझे एक गन भी खरीदनी पड़ेगी, चलो मैं गन के शॉप पे जाता हूँ। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमने गन खरीद लिया, चलो इस ग्रैनी को अब आने दो, अब हम इसे बताते हैं। आने दो अब हम बताते हैं इसे। अरे गाइस ये ग्रैनी तो मर ही रही है, सो गाइस आप देख सकते हैं मर चुकी है। ओए अब आने दो इसे, अभी बताते हैं हम। ये ग्रैनी तो आती रहेगी और हम मारते रहेंगे। सो आप देख सकते हैं अभी सामने से आ रही थी, अब ये यहाँ से आ रही है, इसे मार देते हैं हम। यहाँ जल्दी जल्दी मारो, ये ग्रैनी अभी भी मार सकती है। अरे मारो 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 जल्दी से मारो, अरे मर नहीं रही। अरे गाइस आप देख सकते हैं ग्रैनी तो मर नहीं रही, इसे हेड पे मारना पड़ेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं मर चुकी है, अभी हम मर जाते। सो आप देख सकते हैं अब सामने से आ रही है, चलो अभी हम सामने से ही बताते हैं और देख सकते हैं। अरे गाइस ये मर क्यों नहीं रही है, जल्दी मारो इसे गाइस, हमें इसे मारना पड़ेगा। सो गाइस हमारे पास एक आइडिया है, हम बॉम्ब और इस गन से एक साथ मारते हैं इसे, तब देखते हैं मरते कि नहीं मरती है। चलो गाइस आप देख सकते हैं मैं यहाँ बॉम्ब फेंकता हूँ, फिर मैं इसे गन से ही मारता हूँ। चलो मैंने बॉम्ब फेंक दिया, मैं इसे गन से ही मारता हूँ, वो देख सकते हैं मैं मारते रहता हूँ। ये देख सकते हैं कितना बॉम्ब फट रहे हैं यहाँ पे, ये जल्दी मारते रहो इसे। अरे हाँ मैं मार तो रहा हूँ इसे, ये देखो अब तो खत्म भी हो गई। अरे हाँ गाइस ये तो खत्म हो गई ग्रैनी। चलो गाइस आप देख सकते हैं हमने ग्रैनी को हरा दिया और हमारा रेंज भी बहुत दूर तक देख सकते हैं हम। ये ग्रैनी ने पता नहीं क्या कर रखा था हमारे पे जादू। अब तो हम बच चुके हैं, सो गाइस अब तो बहुत मजा आएगा। अरे मैं भी आ चुका हूँ। अरे गाइस आप देख सकते हैं मसाओ भी आ चुका है। अरे मसाओ तो ठीक है? अरे हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे साथ ग्रैनी ने बहुत बुरा किया, मुझे एक नाले फेंक दिया था ग्रैनी ने, मजा आया, मेरा मुंह भी खराब हो गया था। शुक्र किसी ने को पता ही लगा, क्योंकि मेरा टकला काला है ना, इसलिए किसी को पता ही लगा मैं डाली में पड़ा था। सो गाइस आप देख सकते हैं मसाओ कैसी बातें कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम बच चुके हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, ये सब सिंचन की वजह से हुआ, जैन ने उस डॉल को पता नहीं क्यों ऐसे किया था। सो गाइस आप देख सकते हैं अब तो हम बच चुके हैं। अरे हाँ गाइस अब तो हम बच चुके हैं। चलो गाइस मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा जहाँ आप जाएंगे। अच्छा ठीक है। और गाइस आप देख सकते हैं ये तो वही डॉल है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी, मैं इस वीडियो को भी खत्म कर देता हूँ। गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और गाइस अब मुझे लगता है इस वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ चुका है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। सो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।